आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नया लोन एप्लीकेशन लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन का डैशबोर्ड आपको यहां पर दिखा रहा हूं मैं। जैसा कि यहां पर बताया है कि 24,000 रुपये का लोन 70 दिनों के लिए मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस 4,080 कट जाएगी, 734.40 पैसा GST फीस हो जाएगी और यहाँ पर बैंक में जो पैसा आएगा वो आएगा 19,186 रुपया, 480 रुपया इंटरेस्ट लग जाएगा। 70 दिन के बाद आपको जो है ना टोटली रीपेमेंट पे करना पड़ेगा 24,480 रुपया, ठीक है। सो मेरे भाई, इस एप्लीकेशन में मुझे कितनी लिमिट मिली है चलिए आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया है और यहाँ पर एप्लीकेशन का इंटरफेस इस प्रकार का देखने को मिलेगा। मेड इन इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, RBI रजिस्टर्ड MFI कंपनी की तरफ से लोन मिलेगा। यहाँ पर इसकी जो टॉलरेंस जो पॉलिसी है वो यहाँ पर दिया गया 100% जो पेपरलेस है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर एंड गूगल से साइन इन हो जाएंगे। चलिए मोबाइल नंबर से मैं हो जाता हूँ। हमारा अकाउंट यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है, थोड़ा देर यहाँ पर वेट करना है। वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का कैमरा, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और स्टोरेज का यहाँ पर जो आपको परमिशन देना होगा और एग्री एंड नेक्स्ट पर आपको सीधे ही क्लिक कर देना होगा। आप क्लिक करने के बाद आपको परमिशन देना है अपना जो आपने यहाँ पर कहा था, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा देर यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल लोडिंग हो रही है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे केस में मुझे इस कंपनी की तरफ से 500 रुपये से लगा करके 3,000 रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट मिली हुई है। इसमें अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 7 दिन से लगा करके 14 दिन का यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 3,000 रुपये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट डे पे, तो यहाँ पर 7 दिन, यहाँ पर 14 दिन, मैं यहाँ पर 14 दिन सेलेक्ट करूँगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,000 रुपये का लोन अमाउंट है, प्रोसेसिंग फीस 0 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गलत डाटा है। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखो रिफ्रेश करने में आ गया, देखो 3,000 रुपये का लोन है, इसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस जो है वो 600 रुपया है एंड GST फीस 108 रुपया है। बैंक में जो पैसा आएगा वो आएगा 2,292 रुपया एंड 60 रुपये का इन्होंने इंटरेस्ट लगाया है। टोटली जो रिपेमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 3,060 रुपया, ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करते तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको 5 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। कौन कौन से स्टेप है चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये लोडिंग रहा, थोड़ा सा वेट करें। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट है और KYC डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है और रिफरेंस डिटेल भी कंप्लीट है, बैंक डिटेल्स भी कंप्लीट है। अब यहाँ पर जो मेरा एक जो डिटेल्स है वो है भैया अपलोड सेल्फी वीडियो, मैंने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया है। अगर मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तो मेरे भाई ये पैसे मेरे खाते में विद इन 24 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि मैं काफ़ी जगह से लोन ले कर रखा हूँ, इसलिए मुझे इस ऐप से लोन नहीं लेना है, तो इसलिए मैं आगे का प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नीड है तो इमरजेंसी में आप इस ऐप को यूज कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है, इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड करवाता है। प्ले स्टोर पर इस ऐप को सर्च करना जिसका नाम है VIZZVE इंस्टेंट पर्सनल लोन, आप इसको सर्च करोगे आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, ठीक है। सो मेरे भाई वीडियो बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।